जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यू आई यू एक्स डिज़ाइनर। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोज़ के बारे में। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ ना कुछ रिलेटेड है प्रीवियस वीडियो के, क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया था कि नेविगेशन बार क्या होता है, और आज की जो वीडियो है वो नेविगेशन ड्रॉअर के बारे में है कि नेविगेशन ड्रॉवर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसको डिज़ाइन किस स्टैंडर्ड पे करना है अकॉर्डिंग टू मटेरियल यू, एंड साथ में आपको मैं इसकी इम्पोर्टेंस भी बताऊंगा कि ये हम कब डिज़ाइन करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो वेबसाइट हो, या चाहे वो डैशबोर्ड या डेस्कटॉप ऐप हो। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ में आपको मैं प्रैक्टिकल बना के भी दूंगा। सो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि आपने कैसे डिज़ाइन करना है। लेट्स गो। हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम नेविगेशन ड्रॉअर के बारे में अब पढ़ेंगे, तो नेविगेशन ड्रॉअर होता क्या है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपने नेविगेशन ड्रॉअर पे क्लिक करना है। नेविगेशन ड्रॉअर का असल में मतलब क्या है कि आप पेजेस टू पेजेस नेविगेट करते हो इजिली इन मोबाइल ऐप में आप इजिली इसमें एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए इनबॉक्स है, तो करेंटली एक यूजर जो है इनबॉक्स पेज पे है जहाँ पे मैसेजेस वो करता है, फिर जाके वो आउटबॉक्स में चला जाता है, आउटबॉक्स को चेक करता है, फिर वो जाके फेवरेट पेजेस पे चला जाता है, फेवरेट पेज, फिर जाके वो ट्रैश पे क्लिक करता है तो जितने भी डिलीटेड मैसेजेस होते हैं उसके वो वहाँ पे चला जाता है। तो ये आपको वहाँ पे भी मिलेगा, लाइक जो लिंक्डइन है लिंक्डइन पे भी आपको ये मिलेगा, और साथ में आप बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको ये मिल सकता है। एंड इसके दो टाइप्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक है स्टैंडर्ड टाइप एंड एक है मॉडल नेविगेशन। सो स्टैंडर्ड नेविगेशन आप अगर देखें तो वो आपको फेसबुक में देखेगा, फेसबुक ऐप आप ओपन करें तो सबसे जो राइट साइड है मेन्यू का नेविगेशन ड्रॉअर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो एक लेआउट में चेंज होती नजर आएगी, जहाँ पे आपको कोई भी इस तरह का स्टेट नहीं देखेगा। लाइक एक विंडो ओपन होगी लेकिन वो पूरी कंप्लीट आपकी स्क्रीन को कैच कर लेगी, तो आपको कोई भी पॉपअप सा नजर नहीं आएगा, ना कोई फीलिंग आएगी, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड नेविगेशन ड्रॉअर। एंड उसके अलावा मॉडल नेविगेशन ड्रॉअर क्या है कि मॉडल नेविगेशन में एक लेफ्ट साइड से विंडो ओपन होती है, एंड राइट से अगर आप देखें थोड़ा सा बैक स्क्रीन का जो लेआउट है वो शेड करके नजर आ रहा है, तो ये है आपका मॉडल नेविगेशन ड्रॉअर। और अगर आपको ये तैयार किट चाहिए तो आपको तैयार किट यहाँ से मिल जाएगी, डिजाइन किट पे आपने क्लिक करना है एंड ये आपको फिग्मा जो फाइल है इसकी वो मिल जाएगी, एंड इसके गाइडलाइंस भी साथ में अवेलेबल है। एंड उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोडर्स के लिए कि अगर वो वेब में कोड करते हैं, फ्लटर में कोड करते हैं, या जेट पैक कंपोज, या फिर एंड्रॉयड में करते हैं, तो उनके उनके लिए भी यहाँ पे ये अवेलेबल है। सो ये जो है फ्लटर में इन प्रोग्रेस है, ये अभी तक आई थिंक इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, सो इन प्रोग्रेस है, दैट विल बी अवेलेबल सून। एंड उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, आगे कुछ खास नहीं है, सो स्पेक्स में जाते हैं कि ये बनता कैसे है। सो कंटेंट कुछ इस तरह से होगा कि नेविगेशन ड्रॉअर्स, कलर्स, फिर स्टैट्स हमने चेक करनी है, फिर लेआउट हमने चेक करना है। तो ये तीन चार जो चीजें हैं कंटेंट्स है ये हमने इसमें पढ़ना है, एंड आपको मैंने बताना है कि आप कैसे डिजाइन करोगे और मैं डिजाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर फर्स्ट है, आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, एक पूरा बॉक्स लिया आपने, एंड सेकंड क्या है, बल्कि रुके मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिग्मा ओपन कर लिया, एंड यहाँ पे मैं पेज का नाम चेंज कर देता हूँ, डिजाइन किट या कुछ मैंने दे दिया इस तरह से, एंड मैं एक मोबाइल लेआउट सेलेक्ट करूंगा फ्रेम से। सो मैं मोबाइल लेआउट सेलेक्ट करता हूँ iPhone 13 मैनी, एंड इसको मैं नेम दे देता हूँ नेविगेशन ड्रॉअर। एंड उसमें अब मैंने क्या करना है, मैंने एक यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है इस तरह का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बैक स्क्रीन को शेड देना है, तो मैं पूरी स्क्रीन पे ऐसे एक रेक्टेंगल रखूंगा एंड उसको मैं ब्लैक शेडो इस तरह से देके एंड इसी को सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा टू 38% और 40%। सो 40% मैंने इसको शेड कम किया, एंड उसके बाद मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ा इस तरह से कि इसको मैं साइज दे दूंगा 316। तो 316 मैंने विड्थ थी एंड हाइट जो है वो मैच पैरेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा और कम कर दें,
लगे कि शेड दिया हुआ है, 20% कर दिया। एंड यहाँ पे लेट से इसको मैं फुल वाइट कर दूंगा एंड ओपेसिटी विल बी 100%। तो अब मैंने यहाँ पे बनाना है, तो एक आपका कंटेनर हो गया। एंड सेकंड, अब वो क्या कह रहे हैं कि सेकंड में आपने एक टाइटल लेगा, ठीक है, हेडलाइन लिखी कि हेडलाइन है किस चीज के बारे में। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लूंगा एंड यहाँ से मैंने लिखा हेडलाइन। ओके, सो हेडलाइन, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, एक रूलर रखना है। तो रूलर मैं इस तरह से रखूंगा कि ऊपर से जो है, ऊपर से क्या होगा, 40, ऊपर से 40 पैडिंग देनी है एंड लेफ्ट से आपने देनी है 20 नहीं बल्कि 16 देनी है आपने। ओके, अब इस टेक्स्ट हेडलाइन का जो साइज होगा, हेडलाइन की जो साइज होगी वो हम रखते हैं 18 या 16, जो आप रखते हो। फिलहाल मैं 16 रख देता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा मीडियम या सेमी बोल्ड रख देता हूँ। तो ये आपकी हेडलाइन हो गई, ताकि लगे हेडलाइन है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, उसके बाद है नंबर थर्ड, इन्होंने फीचर्स लिस्ट किए हुए हैं। तो फीचर्स लिस्ट किए हुए हैं लेबल टेक्स्ट। ओके, सो एक लेबल टेक्स्ट है। नंबर फोर पे इन्होंने फिर आइकन रखा है। ओके, सो मैं एक पूरी फीचर की बात कर रहा था। सो इसी तरह करते हैं, मैं एक इसी रेक्टेंगल को कॉपी पेस्ट करके ऐसे रख दूंगा। एंड आपको पता है कि हम एडिट टेक्स्ट या फिर बटन का साइज कितना रखते हैं, सो इट्स 48। सो 48 मैंने हाइट दी एंड इसको मैं थोड़ा सा इस तरह का कलर देता हूँ कि मुझे नजर आए। एंड ऊपर से मैं पैडिंग रख देता हूँ 24। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब सेक्शंस बनाने हैं और इस तरह से कि एक आइकन का स्पेस हो जाएगा। एंड ये देखें, इट्स 48 हम वेट दे देते हैं ताकि स्क्वायर में आए। एंड अब इसको साइज जो है हम कम कर देंगे तो 32। एंड अब इसको मैं वाइट कर दूंगा ताकि नजर आए ये आइकन का स्पेस है। तो ये 24 कर दें आइकन को, आइकन आपका यहाँ से 24 आ जाएगा एंड यहाँ से लेफ्ट से 16 पैडिंग एंड ऊपर नीचे 12। एंड ये जो टेक्स्ट है इसको हम क्या कर देंगे, 14 एंड नॉट सेमी बोल्ड बट इट वुड बी रेगुलर। सो यहाँ से मैं आके इसको 12 यहाँ से भी लेफ्ट से पैडिंग दे दूंगा। एंड ये आपका हो गया एक फीचर, फीचर वन। एंड उसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशंस टाइप आपने डालनी है कि इसमें कुछ नोटिफिकेशंस है, तो लेट से एक 32 मैसेजेस किसने किए हैं, तो मैं इधर 32 लिख देता हूँ एंड राइट साइड से 32 पैडिंग दे दी मैंने। तो यहाँ पे आपका एक फीचर लग गया, इसको आपने ग्रुप किया। एंड अब इसको आपने ऐसे दोबारा कॉपी पेस्ट किया एंड दोनों को सिलेक्ट करके आप ऑटो लेआउट में ऐड कर दें। ऑटो लेआउट पे आपने ऐड किया, अब आप इसको जितना कॉपी पेस्ट करेंगे आगे ये जाता जाएगा खुद ब खुद एक ही लाइन में उसी फीचर्स के मुताबिक। सो ये आपका बन गया नेविगेशन ड्रॉवर। एंड अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। एंड ये जो है, ये आइकन्स थे, तो आइकन्स की जगह को मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ कि ये आपके आइकन्स हो जाएंगे। एंड उसके अलावा ये आपका हो गया फीचर टू। एंड जरूरी नहीं है हर एक फीचर के साथ नोटिफिकेशंस हो, तो ये आप रिमूव कर सकते हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हो। एंड दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ये आपका आ गया हेडलाइन एंड ये आपके फीचर्स लिस्ट हो गए नेविगेशन ड्रॉअर में। सो ये एक मॉडल नेविगेशन मैंने आपको बताया, ये जो है ये मॉडल नेविगेशन ड्रॉअर हो गया। एंड स्टैंडर्ड नेविगेशन ड्रॉअर आपका इस तरह से दिखेगा। ये मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ, तो ये आपका इस तरह से दिखेगा। तो ये हो गया नेविगेशन ड्रॉअर। एंड मैं आपको यहाँ पे और भी नेविगेशन ड्रॉअर्स दिखा देता हूँ। तो नेविगेशन ड्रॉअर कुछ इस तरह से होते हैं, देखें। यहाँ पे यूजर की डिटेल्स आ गई एंड यहाँ पे आपके फीचर्स आ गए। तो ये होता है एक नेविगेशन ड्रॉअर। आप और भी यूआई डिजाइन चेक कर सकते हो लाइक दिस। एंड इसके अलावा और कितने ज्यादा डिजाइन हैं देखें, तो ये आपके नेविगेशन ड्रॉअर्स इस तरह के भी बन सकते हैं। सो ये होता है मॉडल नेविगेशन ड्रॉअर। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ में बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे वीडियोस के बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।